वेलकम टू एविडेंस एक्ट क्लासेस। और एविडेंस एक्ट में ये आठवां चैप्टर है, आठवां सेशन है। तो आठवें सेशन में अभी हम रिलेवेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। हमने देख लिया कि लॉ में, लॉ ऑफ एविडेंस में क्या क्या होता है। ओरल एविडेंस होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो अभी हम चैप्टर टू में शिफ्ट कर रहे हैं, चैप्टर वन हमारा ओवर हो गया। चैप्टर टू जो है सेक्शन 5 से 55 तक है। चैप्टर टू सेक्शन 5 से 55 तक है। तो चैप्टर टू का नाम है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। वो फैक्ट क्या क्या रिलेवेंट है, रिलेवेंट का डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में देखेंगे, सेक्शन 5 ये कहता है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 5 कह रहा है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। मतलब एविडेंस आप सिर्फ दो ही चीजों पर दे सकते हैं, एक तो फैक्ट इन इशू हो, हम पहले पढ़ चुके हैं फैक्ट इन इशू मतलब विवाद का जड़, किस पर कंफ्यूजन है, किस पर दोनों पार्टी असहमत है, वो फैक्ट इन इशू हो गया। और रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट का फैक्ट का मतलब उससे कनेक्टेड चीजें क्या क्या है। सिर्फ दो ही चीजों पर यू आर परमिटेड टू गिव एविडेंस, थर्ड चीज पे नॉट परमिटेड। सो कोर्ट में आपने अक्सर सुना, ऐसा सुना होगा कि या तो जज साहब बोलेंगे और नहीं तो अपोजिट पार्टी बोलेगी कि ये जो आप कह रहे हैं इससे इस केस का क्या संबंध है, हाउ इट इज रिलेवेंट टू दिस केस। तो जो जिनको प्रूव करना है बोलते हैं कि इस केस से इस बात का पूरा लेना देना है, मैं साबित करके दिखाता हूं। कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो कुछ भी आप कहने जा रहे हैं चाहे कह रहे हैं वो इस इशू से रिलेवेंट है। अगर ई रिलेवेंट है कोर्ट नहीं सुनेगी, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट चीजें ही सुनेंगी। एविडेंस एक्ट, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। तीन चीजें बता रहे हैं, फैक्ट इन इशू पर आप दे सकते हैं, रिलेवेंट फैक्ट पे दे सकते हैं जो यहां से लेकर के और सेक्शन 55 तक बताया गया है। कहने का मतलब कि अगर 5 से लेके सेक्शन 55 तक जो चीज नहीं बताई गई है उसको कोर्ट नहीं सुनेगा। कोर्ट क्या क्या सुन सकता है वो सेक्शन 5 से लेके 55 तक बताया हुआ है। और तीसरी चीज क्या, एंड नो अदर, अदर थिंग्स को निगेट करता है, नहीं सुनूंगा तीसरी चीज। या तो आप रिलेटेड फैक्ट से हो या फैक्ट इन इशू हो, तीसरी चीज नहीं सुनूंगा। ये ऐसा स्टेटमेंट है सेक्शन 5 में। दिस सेक्शन से नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट व्हिच इज दिस एंटाइटल्ड टू प्रूव ए बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन रिलेटेड टू सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड का कुछ अलग से ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। सो ए पर एलिगेशन ये है कि बी को उन्होंने मार करके, डंडे से मार करके उनकी मृत्यु किया है। तो इसमें क्या क्या रिलेवेंट चीजें हो सकती हैं, ए इज बीटिंग बी विद क्लब, ए ने बी को क्लब से मारा, डंडे से मारा, ये एक रिलेवेंट चीज है। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, उसके इतना मारा कि वो मर गया, ये एक रिलेवेंट चीज है। ए इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, क्या ए सचमुच में चाहता था कि बी को जान से मार दो या सिर्फ थोड़ा सा इंजुरी पहुंचाना चाहता था, ये सारी चीजें जो है रिलेवेंट फैक्ट में हो जाएंगी। फैक्ट्स आर इन इशू, ये सब इशू में आ गए, ये फैक्ट इन इशू है और इसको प्रूव करने में जो जो चीजें लगेगी वो रिलेवेंट चीजें हैं। फैक्ट इन इशू क्या क्या हो गया कि क्या ए ने बी को मारा, क्या ए ने बी को इतना मारा क्यों मर गया, क्या ए का इंटेंशन था बी को जान से मार देना, ये आपको फैक्ट इन इशू हो गया। और इसको प्रूव डिसप्रूव करने में जो जो आप लॉजिक लाएंगे वो फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। आई थिंक देयर इज नो डाउट। सो रिलेवेंसी इफेक्ट में ये अनदर, ये इसी चीज को यहां पर दिया गया है थोड़ा सा ब्रॉडर में आपको समझने के लिए, मैं इसको तोड़ता हूं। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, जो कुछ भी कोर्ट में आपने एलिगेशन लगाया है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में, दो ही चीजें तो आपको करना है।
every fact in issue and such other facts as are here under declared to be relevant. So दो चीजें fact in issue के बारे में कोर्ट सुनेगी, relevant fact 5 से लेके 55 तक जो दिया गया उसके बारे में कोर्ट सुनेगी and of no other evidence. तीसरी चीज कोर्ट नहीं सुनेगी. So कोर्ट में जब भी कुछ बातें कहनी है आपको उस केस से रिलेटेड बातें कहनी है, अनरिलेटेड बातें कोर्ट नॉट गोइंग टू लिसन, नॉट परमिटेड. सो एविडेंस जो सुनेगा वो किस चीज में, फैक्ट इन इशू होगा, रिलेवेंट फैक्ट पर होगा, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द थिंग होगा, और इसके अलावा किसी भी चीज को कोर्ट नहीं सुनेगी. सेक्शन 5 में इन द इवेंट इफ द इफेक्ट इज द नॉट एसोसिएटेड देन द फैक्ट इज इरिलेवेंट. अगर आप कोर्ट को बताने में सक्षम नहीं हुए कि जो आप कह रहे हैं वो इस केस से रिलेटेड है, कोर्ट बोलेगी नो, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक. तो रिलेवेंट फैक्ट्स में चैप्टर 2 में ये सेक्शन 5 से लेकर 16 तक ये अलग अलग हम पढ़ेंगे, 15 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे, 40 से लेकर 55 तक. कहने का मतलब कि 5 तो बता दिया कि रिलेवेंट फैक्ट क्या क्या है, 6 से लेकर 55 के बीच में है. तो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे. अच्छा, जब रिलेवेंसी की बात होती है तो रिलेवेंसी दो तरह की होती है, लॉजिकल रिलेवेंसी होती है, लीगल रिलेवेंसी होती है. रिलेवेंसी भी दो तरह की है, लॉजिकल रिलेवेंसी, लीगल रिलेवेंसी. क्या कोर्ट दोनों को सुनेगी, क्या कोर्ट सिर्फ लॉजिकल रिलेवेंसी सुनेगी, क्या कोर्ट सिर्फ लीगल रिलेवेंसी सुनेगी, या कोर्ट दोनों को सुनेगी, ये जानने के लिए हमें अगले सेशन में मिलना पड़ेगा. सो अगले सेशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए